नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज मैं फिर से एक नई जगह आपको लेके आया हूं। मैं हूं कर्तव्य पथ पर, जिसका पहले नाम था राजपथ और कल की शाम के बाद से इसका नाम चेंज होके कर दिया गया कर्तव्य पथ। तो अब लोग इसे कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे, जिसे अब तक लोग राजपथ के नाम से जानते थे। तो चलिए आइए दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कैसा है। ये पार्किंग नंबर 2, और यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। और ऐसे ही और सारे कई लेन हैं जो पार्किंग के लिए बनाई हुई हैं। ये एंट्रेंस है, ये पहले ऐसा दिखता था कुछ, और अब इसकी कंडीशन ऐसी है। ये महज 21 महीनों में बनके तैयार हुआ। आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट अंडरपास बन गए हैं इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए। और ऐसे ही अंडरपास जस्ट इसके ऑपोजिट साइड बने हुए हैं, जो आपको लेके जाता है कर्तव्य पथ की तरफ। तो पहले इंडिया गेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और फिर आपको आगे दिखाता हूँ ऑपोजिट साइड जाके। मेरे जस्ट बैक साइड में आप देख रहे हो वो है इंडिया गेट। और मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, मगर आज तक मैं इंडिया गेट के इन पार्क्स में नहीं आया। कभी छोटा था तब आया हूँगा, बट बहुत टाइम से ये सब कुछ बंद किया हुआ था, आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। बट अब आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और पिकनिक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये ग्रीन गार्डन्स बनाए हुए हैं मेरे चारों तरफ, आप देख लो। तो बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही डेवलप कर दिया है इस एरिया को। पहली बार इसके पास इतना नज़दीक खड़ा होके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसकी दीवारों पे ना सारे थर्ड अफगानिस्तान वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उन सब के नाम इस पे लिखे हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर हैं वो और देखने में थोड़ा मुश्किल है, बट सब कुछ लिखा हुआ है। एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। इस स्टैचू को बनाने में जो ग्रेनाइट यूज़ किया गया है वो सिंगल पीस ग्रेनाइट स्टोन है, जो कि तेलंगाना से लेकर आया गया था करीब 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली, और 140 पहियों की गाड़ी में वो रख कर आया था, जिसका टोटल वज़न था 280 मेट्रिक टन। और उसके बाद दिल्ली लाके इसमें कार्विंग की गई, और ये विशाल 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी सुभाष चंद्र जी की स्टैचू बनकर तैयार हुआ। उससे पहले यहाँ पे होलोग्राम स्टैचू था सुभाष चंद्र बोस जी का, जो कि उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया था। और उसके बाद ये स्टैचू यहाँ पर ग्रेनाइट का बन के तैयार हुआ। इसके चारों तरफ अब इतना सुंदर बना दिया गया है इसको, बेहद खूबसूरत वॉकिंग फाउंटेन्स, वर्थ इट है भाई यहाँ पे आना। आप लोग आइए, एंजॉय करिए। यहाँ पे अभी ड्रोन शो स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए ड्रोन्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। और इसको एक ही जगह से मैनेज किया जाएगा उधर से। और उधर ये सारे ड्रोन्स रखे हुए हैं, ये स्टूडेंट्स ही हैं, कहाँ के स्टूडेंट्स हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। पूरे पार्क में करीब 14 किलोमीटर का पाथ है, जिस पे आप रनिंग कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारा जो बनाया गया है रेड स्टोन से बनाया हुआ है, और सैंड स्टोन्स हैं, रेड सैंड स्टोन। ये वॉल्स पे आपको सब कुछ
सारी इन्फॉर्मेशन राजपथ लॉन, गणतंत्र दिवस परेड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब कुछ लाइट पोल्स कैसे यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, डिफरेंसेस। एक्चुअल में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है वो ये है, ये उसका मैप है। राजपथ इतिहास बन गया और कर्तव्य पथ वर्तमान। तो अब हम सब जो राजपथ था उसे कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। मेरे एक साइड राष्ट्रपति भवन और दूसरी साइड इंडिया गेट है, इसके बीच का जो रोड है उसे हम आज तक राजपथ के नाम से जानते थे। और आज कल रात से यानी 8 सितंबर 2022 उसका नाम मोदी जी ने चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया। और अब इस पूरे एरिया का जो 3 किलोमीटर लंबी जो ये रोड है, इसके अराउंड 3,90,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, ये सारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर आता है और यही डेवलप हुआ है। कल मोदी जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया वो 2 बिल्डिंग है, जिसमें जो करीब 1,339 करोड़ रुपए की लागत की बनी हुई है। वैसे टोटल ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है इसकी सारी जो कीमत है करीब 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके पूरे होने का जो टाइम है वो 2025 दिया हुआ है। तो देखते हैं 2025 तक वो कंप्लीट होता है या नहीं, बट जितना भी अभी तक कंप्लीट हुआ है ये मेरे सामने देख रहे हैं, दोनों साइड रोड के ग्रीन लॉन्स बने हुए हैं। ग्रीन लॉन्स के पीछे दोनों साइड में पानी की नहरें, रिवर कैनाल बनी हुई हैं और उनके ऊपर ब्रिजेस बनाए हुए हैं जिसके ब्रिज के थ्रू आप क्रॉस कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, आप कभी आइएगा और देखिएगा कि ये एरिया कैसा है, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना खूबसूरत एरिया है ये मेरे हिसाब से तो है। बाकी आप आइए और आप आके देखिए और खुद एक्सपीरियंस करिए कि एरिया कितना डेवलप हो चुका। पहले मैंने मतलब मैं पहले भी इस रोड पे आया हूँ, पहले भी इस जगह पे आया हूँ, बट इतनी साफ़ सुथरी, इतनी अच्छी और इतनी डेवलप मैंने अभी तक नहीं देखी। इस रोड इन रोड्स पे पहले आने भी नहीं दिया जाता था, बट अब आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। और ये जो रिवर कैनाल है इनके साइड में रेड स्टोन से पूरा पाथ बनाया हुआ है, उसका टोटल लेंथ जो है अगर दोनों तरफ की एरिया कवर काउंट करूँ मैं तो करीब 13-13.5 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है। आप इस पर मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, इवनिंग वॉक कर सकते हो, आप वैसे टहल सकते हो, आप घूमना चाहते हो आ सकते हो, अपने बच्चों के साथ आ सकते हो और इंडिया गेट के लॉन्स में भी आप लोग घूम सकते हो। तो अब आप पूरी तरीके से इस एरिया को एंजॉय कर सकते हो, जो आपकी पहुँच से अभी तक बाहर था अब वो आपकी पहुंच के अंदर है। स्टार्ट हो गया असल, ऊपर देखो देखो। स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक की बातें भरने लगी पेड़ियों में जकड़ी, भारत माता की मुक्ति का सपना आंखों में जाग उठा। लेकिन पिता के सिद्ध पर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा पास कर पिता के सपने को तो पूरा कर दिया, अब अपने सपने को साकार करने की बारी। कैम्ब्रिज की पढ़ाई छोड़ ICS की परीक्षा से त्याग पत्र के जिस पानी के जहाज से वो इंग्लैंड गए थे,
उसी पानी के जहाज से अपने देश लौट आए। महात्मा गांधी के कहने पर वे देश बंधु चितरंजन दास से मिले और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1921 का वर्ष कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का भयंकर विरोध हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ सड़क पर निकल पड़े और गिरफ्तार कर अलीपुर के जेल में डाल दिए गए। अलीपुर जेल से शुरू हुआ जेल यात्रा का ये सिलसिला सुभाष के आने वाले जीवन का अस्थाई सच बन गया। देशबंधु जी कलकत्ते के पहले महापौर चुने हैं और सुभाष चंद्र बोस मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। सुभाष चंद्र बोस ने खादी को निगम कर्मचारियों का वस्त्र बना दिया और अंग्रेजी नाम वाली सड़कों का नाम बदलकर भारतीय विभूतियों के नाम पर रखना आरंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता हुकूमत के लिए खतरे की घंटी थी। उन्हें क्रांतिकारी षड्यंत्र में गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। 3 साल की मांडले जेल की सजा, लोगों की नजरों में सुभाष की छवि एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस युवा दिलों के चहेते बन गए थे। 1938 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। बुलंद हौसले और स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा में ले जाने के इरादे से सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा एक अधिवेशन में पहुंचे। वे भारत को दुनिया के अन्य देशों की तरह आर्थिक प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। उनके प्रगतिशील विचार को स्वदेशी और कुटीर उद्योग के विरोध में देखा जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस के अंदर का वातावरण दिन ब दिन दबोटू होता जा रहा था। अंततः 1940 की कलकत्ता बैठक में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेताजी को लगने लगा था कि भारत की आजादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करके ही पाई जा सकती है। 17 जनवरी 1941 के रात नेताजी देश बदल कर घर से निकले और पेशावर काबुल मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। यूरोप पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। नेताजी जानते थे कि देश की आधी आबादी के सहयोग के बिना स्वाधीनता का संघर्ष हमेशा अधूरा रहेगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की भारतीय वीरांगनाओं का युद्ध अस्पताल रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी। जानकी फेवर को बनाया गया 2nd इन कमांड। 4 जुलाई 1943 सिंगापुर के टाउन हॉल के बाहर खड़े आजाद हिंद के फौजियों को नेताजी ने संबोधित किया और दिल्ली चलो का जय घोष कर दिया। 1945 के नेतृत्व में आजाद हिंद के फौजियों ने बर्मा के रास्ते मणिपुर के इम्फाल पर धावा बोल दिया। दिल्ली चलो के नारे से आकाश गूंज रहा था। आजाद हिंद के फौजियों ने भारत की सीमा में घुस विजय का तिरंगा लहरा दिया। आंशिक मिली जीत और आजाद हिंद फौजियों के बढ़ते कदम को बेमौसम बारिश ने रोक दिया। आसमान से बमों की वर्षा शुरू हो गई। आगे बढ़ना संभव नहीं था। नेताजी अपने बचे हुए सैनिकों और रानी झांसी रेजिमेंट के साथ बैंकॉक वापस लौट गए। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय समाप्त हो गया। नेताजी और आईएनए ने जो युद्ध छेड़ा था वो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ साकार हो गया था और आजाद भारत का आकाश जय हिंद के उनके नारे से गूंज उठता था। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम समस्त भारतवासी जय हिंद का जज्बा लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।
भैया ड्रोन शो तो बहुत अच्छा था, गूज बम्स आ गए। और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, गुड नाइट। All right, all right, all right.